हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं शुगर केन क्रॉप को, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम जो है क्रॉप पूरा ख़त्म करने की ओर हैं, ठीक है। एक आध क्रॉप और बचेगी जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आपका इरिगेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा एक आध लेक्चर में। उसके बाद दो लेक्चर में आपका मेट्रोलॉजी वाला पार्ट भी कवर करेंगे। तो चिंता नहीं करना है, बहुत जल्दी सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं है कि कुछ तो भी पढ़ा के शॉर्ट में पढ़ा के और कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ऐसा नहीं है। फ्री पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बकवास पढ़ा के मैं चला जाऊँ, नहीं। आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हूँ, जैसा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोर्स भी पूरा हो जाएगा और सारी चीज़ हम कवर भी कर पाएंगे और अच्छे से कवर पाएंगे। तो चिंता नहीं करना है और घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए शुगर केन की बात करते हैं। तो शुगर केन गन्ना, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम क्या है ना। बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है बच्चा? तो वानस्पतिक नाम इसका है सेकेरम, सेकेरम ऑफी सिनेरम, सेकेरम ऑफी सिनेरम, ठीक है, या सेकेरम स्पीसीज भी आप बोल सकते हो। ये सेकेरम, इसकी इतनी सारी जो है स्पीसीज है, पांच स्पीसीज है, उसमें से तीन जो है वो कल्टीवेटेड है, दो जो है वो वाइल्ड है, जंगली स्पीसीज है। फिर भी हम यहाँ सेकेरम ऑफी सिनेरम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वाइल्डली कल्टीवेटेड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। वाइडली कल्टीवेटेड का क्या मतलब है? सर्वाधिक खेती इसी की होती है, सर्वाधिक खेती इसी की होती है, ठीक है, इसलिए इसका हम यहाँ पर नाम यूज़ करते हैं। दूसरा, इसके फैमिली परिवार की अगर मैं बात करूँ, इसका परिवार कुल क्या है? तो बच्चा इसका परिवार कुल वही है, ग्रेमेनी। क्या है? ग्रेमेनी इसका परिवार कुल है, या इसको हम क्या बोलेंगे? पोएसी, पोएसी। अब मैं हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हमने एग्रोनॉमी मतलब पूरा सीरियल क्रॉप पढ़ा है, पोएसी ग्रेमेनी सारा पढ़ा है। फिर मैं बात करूँ इसके ओरिजन की, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है बच्चा? इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो है न्यू गिनी, न्यू गिनी या न्यू गिनिया, ठीक है, क्या लिखेंगे? न्यू गिनी या न्यू गिनिया, जो भी आप, जनरली न्यू गिनी ही बोला जाता है, न्यू गिनी, ठीक। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं बात करूँ, इसके गुणसूत्र संख्या क्या है? गुणसूत्र, अब देखो जो नाम लिखा है उसी के हिसाब से गुणसूत्र बताना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे सेकेरम ऑफिसिनरम लिखा है तो इसका गुणसूत्र संख्या होती है 2n = 80, ठीक है। और ये जो सेकेरम ऑफिसिनरम है, इसी को बोलते हैं क्या? नोबल केन। इसी को क्या बोलते हैं? नोबल केन बोला जाता है, नोबल केन, नोबल गन्ना, इसी को नोबल गन्ना कहते हैं, ठीक है, नोबल गन्ना कहते हैं। और यही क्या है आपका? ट्रॉपिकल केन है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल केन भी बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी गन्ना, उष्ण कटिबंधी गन्ना, उष्ण कटिबंधी गन्ना इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, टी एस वेंकट रमन, क्या नाम है? टी एस वेंकट रमन। इनको क्या बोला जाता है? शुगर केन विजार्ड। क्या बोला जाता है? शुगर केन विजार्ड। क्या बोला जाता है? शुगर केन विजार्ड बोला जाता है, मतलब गन्ना के जादूगर, ठीक है, गन्ना के जादूगर इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन जो किया था शुगर केन के अंदर, संकरण जो किया था, उस संकरण के क्षेत्र में, हाइब्रिडाइजेशन के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया था गन्ने के लिए, ठीक है। तो इस हम बोल सकते हैं ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन, ठीक है, गन्ने के संकरण में उत्कृष्ट शोध किया था, ठीक है, गन्ने के संकरण में उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट रिसर्च, उत्कर्ष शोध या उत्कर्ष अनुसंधान इन्होंने किया था, इसके लिए इनको शुगर केन विजार्ड या गन्ने का जादूगर इन्हें कहा जाता है, किसको? टी एस वेंकटरमन को, क्लियर है। और ये जो सेकेरम शर्करा, जो सेकेरम शब्द है, ये सेकेरम शब्द कहाँ से आया? संस्कृत से। कहाँ से आया ये?
संस्कृत से आया, और इसमें संस्कृत वर्ड किससे आया, सेकेरम से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शर्करा। संस्कृत शब्द है सेकेरम, जो है संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है शर्करा या सुगर। ठीक है, चलिए इतना आप समझा। अब इसके बात करते हैं इसका इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम की मैं बात करूं, इसका जो पुष्पक्रम है वो क्या होता है बच्चा, तो इसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है एरो। क्या होता है, एरो इसका जो है पुष्पक्रम होता है। ठीक, मतलब क्या होता है, ये ओपन ब्रांच पे निकल होता है। मतलब क्या होता है, ये ओपन ब्रांच्ड पेनिकल, ओपन ब्रांच्ड पेनिकल ये होता है। ठीक है, ओपन ब्रांच पेनिकल होता है ये, और मतलब क्या बोल सकते हैं, खुली शाखा का पुष्पक्रम। क्या होता है ये, खुली शाखा पुष्पक्रम, खुली शाखा का पुष्पक्रम, जो इसका पुष्पक्रम होता है, मतलब जो ब्रांचेस ओपन ब्रांचेस होती है वहां से ये पुष्पक्रम निकला रहता है, या फूलों का अरेंजमेंट जो होता है, जो ओपन ब्रांचेस होती है वहां पर फूलों का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है या ये जो घटना है, इसको क्या बोलते हैं, एरोइंग बोलते हैं। ये जो घटना है इसको क्या बोलते हैं, एरोइंग बोलते हैं। और ये एरोइंग क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है, मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। याद रखना, मैच्योरिटी को, परिपक्वता को दर्शाता है, संकेत करता है। ठीक है, परिपक्वता को दर्शाता है। ठीक है, कि एरोइंग हो गई मतलब एरो निकल गया, इन्फ्लोरेसेंस अच्छे से निकल गया, मतलब कि जो गैन है हमारा, सुगर गैन है, गन्ना है, वो पक गया है, मेच्योर हो गया है। ठीक है, ठीक। अब मैं फोटोपीरियोडिज्म की बात कर लेता हूँ। फोटोपीरियोडिज्म मतलब प्रकाश दीप्ति कालिता। प्रकाश दीप्ति कालिता की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट छोटे प्लांट है, ये इंटरमीडिएट छोटे प्लांट, मतलब आप बोल सकते हो क्या है, ये मध्यम लघु दिवस पौधा है। मतलब इसको ना तो दिन का टेम्परेचर कैसा चाहिए, मतलब प्रकाश जो है, सनलाइट जो है, ना तो अधिक चाहिए ना कम चाहिए, मतलब ना तो ये लॉन्ग डे प्लांट है ना ये शॉर्ट डे प्लांट है, दोनों के बीच में, मतलब मध्यम, शॉर्ट मीडियम इंटरमीडिएट जो है शॉर्ट डे प्लांट है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किस टाइप का पौधा है, तो ये C4 प्लांट है। ठीक है, C4 प्लांट है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होता है, रेस्पिरेशन इसमें निगण्य या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन इसके अंदर नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। क्लियर है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है C4 पौधे का, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे पीईपी पेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला जो है यहाँ पर सब्सटेंस पाया जाता है, तो उसको हम कार्बन साइकिल के अंदर या क्रेब्स साइकिल या जो हैच एंड स्केल साइकिल है वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी है कि अगर हम बात करें शुगर मिल की, देखो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें अपन, लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, सबसे बड़ी या सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल उद्योग पहले नंबर पर है, उसके बाद है सुगर इंडस्ट्रीज, उसके बाद क्या है, सुगर इंडस्ट्रीज या सुगर चीनी उद्योग। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, चीनी उद्योग, ये सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें सबसे बड़ी, तो वो क्या है, टेक्सटाइल, मतलब कपड़ों का जो उद्योग है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में दूसरे नंबर पर, वो है सुगर इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग। सुगर मिल की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा सुगर मिल कहाँ पर है, सुगर मिल चीनी कारखाना की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है चीनी कारखाना, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने हैं, यूपी में कितने हैं बच्चा लोग,
ये मैं करंट अफेयर में अपडेट करके आपको दूंगा, ठीक है। अभी यानी बताऊंगा महाराष्ट्र में कितने हैं, यूपी में कितने हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं चीनी कारखाने, ये हम करंट अफेयर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात आप समझ गए। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये यूपी है हमारा, जो यूपी है ना इसको क्या बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। शक्कर का कटोरा कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, चीनी कटोरा, क्या कहा जाता है यूपी को, चीनी का कटोरा, ठीक है। भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूपी में, एरिया भी कहाँ है यूपी में, लेकिन ये मैं करंट अफेयर में अपडेट करवाऊंगा। यूपी में ही एरिया प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में जो है शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था अभी तक, लेकिन 2022 में जो है करंट अफेयर में मैंने डिस्कस किया था, वीडियो भी यूट्यूब पर है, वहाँ पर महाराष्ट्र को ओवरकम करके, महाराष्ट्र को पीछे करके यूपी शुगर प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पर हो गया था। इसलिए अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा ये डाटा, क्योंकि अभी एक दो महीने बचे हैं, वहाँ पर जब हम करंट अफेयर करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो मैं अपडेट करके बताऊंगा कि शुगर प्रोडक्शन में यूपी पहले पे है महाराष्ट्र पहले पे। अभी तक तो यूपी पहले पे है, महाराष्ट्र को पीछे करके यूपी पहले नंबर पर पहुँच गया है, लेकिन वहाँ पर हम करंट अफेयर में अपडेट करके आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है आपकी। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोपोगेशन मटेरियल की, प्रोपोगेशन मटेरियल, ठीक है। प्रोपोगेशन मटेरियल की बात करते हैं, जो रोपण का जो पदार्थ है, जो हम रोपणी लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो प्रोपोगेशन मटेरियल में हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, सेट्स यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सेट्स, ठीक है, या पीस यूज़ करते हैं, पीसेस यूज़ करते हैं, सेट्स या पीसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, सेट्स या पीसेस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रोपोगेशन मटेरियल में, क्लियर है। चलो क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे हम बात करते हैं इसमें प्रोपोगेशन मटेरियल, सेट्स और पीस हो गया, सेट्स और पीस प्रोपोगेशन मटेरियल के बाद में बात करूँ जो शुगर केन का जो स्टॉक होता है, शुगर केन का जो क्या होता है, स्टॉक मतलब इसको बोलते हैं डंटल, वो क्या होता है, वो होता है केन, उसको हम क्या बोलते हैं, केन बोलते हैं, ठीक है, केन भी बोलते हैं और स्टॉक भी बोल देते हैं इसको, क्लियर है, स्टॉक भी बोल देते हैं। और मैंने बोला कि जो आइडियल कल्टीवेशन एरिया की बात करता हूँ मैं, अगर आइडियल कल्टीवेशन एरिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आदर्श खेती योग्य क्षेत्र, आदर्श खेती योग्य क्षेत्र की बात करूँ तो वो है क्या, वो है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जो है वहाँ पर सबसे बढ़िया जो है इसकी खेती होती है, क्यों, क्योंकि ये साउथ इंडिया जो है ये किस जोन में आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, किसके अंदर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये आता है, और शुगर केन के लिए जो बेस्ट आइडियल कंडीशन होती है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, उष्णकटिबंधीय जो जलवायु की इसके लिए बेस्ट होती है, इसीलिए आपने देखा कि जो तमिलनाडु है ना, यहाँ पर इसकी जो है शुगर केन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उपज सबसे ज़्यादा होती है, तो साउथ इसके लिए बेस्ट होता है, तमिलनाडु में जो प्रोडक्टिविटी है उपज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोडक्शन भले यूपी में हो रहा है ना, तो लेकिन एरिया भी यूपी में है, प्रोडक्शन भी यूपी में, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा साउथ में मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट गन्ने के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक, वर्गीकरण। अब टोटल जो है यहाँ पर कितनी स्पीसीज है, पाँच, ठीक है, पाँच में से तीन जो है वो कल्टीवेटेड है, दो जो है वो वाइल्ड है, ठीक है, दो वेराइटी जो है स्पीसीज है वो वाइल्ड मतलब जंगली है और दो जो है वो कल्टीवेटेड या खेती योग्य है, कल्टीवेटेड है या खेती योग्य है, ठीक है। जो जंगली है दो वेराइटी वो कौन कौन सी है, एक तो है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है, कांस जिसको हम बोलते हैं, सेकेरम क्या है, रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम रोबस्टम जो है ये दोनों वाइल्ड स्पीसीज है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो तीन हमारी है स्पीसीज,
उसमें जो है तीन, तीन में सबसे पहले आप लिखो सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, इसको हमने क्या बोला था, नोबल केन, क्या बोला था, ये नोबल केन है, ठीक, नोबल केन है, ट्रॉपिकल केन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, ट्रॉपिकल केन है, ये क्या होता है, थिक और जूसी होता है, थिक एंड जूसी, मतलब जूस इसमें अच्छा खासा मिलेगा और लो फाइबर कंटेंट होता है, लो फाइबर इसके अंदर पाया जाता है, मतलब इसमें रेशा कम होता है, जूस ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और नोबल केन इसको बोलते हैं, याद रखना हिंदी में क्या लिखोगे, सेकेरम ऑफिसिनेरम, नोबल केन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल केन भी बोलते हैं, इसमें जूस अच्छा खासा होता है और फाइबर का कंटेंट कम होता है, ठीक, या हाई सुक्रोज कंटेंट बोल सकते हो। दूसरा जो है वो क्या है, सेकेरम बारबारी, अरे सेकेरम बारबारी, ठीक है, ये क्या है, ये इंडियन केन है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन केन, भारतीय गन्ना है ये, ठीक है, इंडियन केन है, इसमें क्या होता है, लो सुक्रोज कंटेंट, मतलब शक्कर इसमें कम पाई जाती है और हाई फाइबर होता है, हाई फाइबर, फाइबर इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद होता है साइनेंसिस, तीसरा है सेकेरम साइनेंसिस, ये चाइनीज़ केन है, कहाँ पर होता है, चाइना में, क्या है, चाइनीज़ केन, ये चाइनीज केन है, चाइना में होता है, यहाँ पर मीडियम सुक्रोज होता है, क्या होता है, मीडियम सुक्रोज होता है और हाई फाइबर, हाई फाइबर, फाइबर ज़्यादा होता है और सुक्रोज कम होता है इनमें। हिंदी में लिख लेना सेकेरम ऑफिसिनेरम, नोबल केन, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय केन भी बोलते हैं इसको, इसमें रस या बोल सकते हैं जूस ज़्यादा पाया जाता है और जो फाइबर होता है रेसा वो कम होता है। सेकेरम बारबारी, ये इसको भारतीय गन्ना कहते हैं, इसमें सुक्रोज शर्करा कम होती है और रेसा ज़्यादा होता है। सेकेरम साइनेंसिस, ये है चाइनीज़ केन, ठीक है, चाइनीज़ गन्ना बोलते हैं, इसमें जो सुक्रोज है वो मध्यम मतलब कम होता है और फाइबर इसमें अधिक होता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन के बाद मैं इसमें क्लाइमेट की बात कर लेता हूँ, क्लाइमेट कैसा चाहिए, ठीक है, मैं इसमें क्या बात करता हूँ, क्लाइमेट की, ठीक है, क्लाइमेट कैसा चाहिए इसके लिए उसको देखो, जलवायु, जलवायु की बात करते हैं, तो ये ट्रॉपिकल केन है, पहले मैं बोला इसको क्या चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट है, सब ट्रॉपिकल में भी ये हो जाता है लेकिन ट्रॉपिकल इसके लिए बेस्ट है, क्या बोलेंगे इसको, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसको चाहिए। साउथ वाले रीजन में उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, जो सेंट्रल इंडिया है, मिडिल नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और जो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है वहाँ पर टेम्परेट रीजन होता है, ठंडा प्रदेश है और राजस्थान का कुछ एरिया है वो एरिड रीजन में आता है, ठीक है। मैं जब हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ाऊंगा ना वहाँ पर ये बताऊंगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइम जो टेम्परेट और सॉरी एरिड क्लाइमेट क्या होता है, मैंने बता दिया। अगर मान लो ये हमारा भारत है, ठीक, तो यहाँ पर आप इतना सा समझ लो, डायग्राम मुझे इतना सा अच्छा सा आता नहीं है, ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल है, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं, और ये अपना हो जाएगा टेम्परेट, ये टेम्परेट रीजन है, और इसमें जो राजस्थान है यहाँ पर ये एरिड रीजन में आ जाता है, एरिड रीजन में आ जाता है, ठीक है, और इसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक। मतलब क्या है, यहाँ पर कैसी चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु इसको चाहिए, ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान, तापमान इसमें चाहिए ग्रोथ के समय, वृद्धि के समय चाहिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और राइपनिंग के समय, पकने के समय इसको चाहिए टेम्परेचर कितना, तो 18.6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, राइपनिंग के टाइम कम क्यों चाहिए, राइपनिंग के समय लो टेम्परेचर कम क्यों चाहिए, अगर मान लो राइपनिंग के टाइम में हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा, जो सुक्रोज है, जो सुक्रोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, याद रखना, अगर राइपनिंग के समय टेम्परेचर ये तो कम है, ठीक, अगर हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया तो ये सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और जो प्रोड्यूस है हमारा, जो प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर, पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस हमें मिलेगा, ठीक है, क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाएगी, क्लियर है,
इसलिए टेम्परेचर कम होना चाहिए राइपनिंग के समय, इसलिए 18.6 टेम्परेचर वहाँ पर होता है राइपनिंग के समय। ठीक है, सीड एंड सोइंग की बात कर लेते हैं। सीड एंड सोइंग, बीज और बुआई, बीज और बुआई की बात कर लेते हैं। ठीक, अब मैंने पहले ही बताया सीड इसमें क्या चाहिए हमें, सीड क्या होते हैं इसमें, सेट्स होते हैं। ठीक है, सेट्स होते हैं या पीसेस होते हैं। ठीक है, पीसेस होते हैं। और ये जो सेट्स लेते हैं ये कहाँ से लेते हैं, तो जो हमारा गन्ना है पूरा, ठीक है, ये गन्ना है, इस गन्ने का जो 1/3 पोर्शन है, ठीक है, ये इतना, जैसे ये पूरा है, इसमें से 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन लेते हैं। ठीक है, कितना, 1/3 पोर्शन ऑफ इमेच्योर केन, इमेच्योर केन, ठीक है, जो पूरी तरीके से नहीं पका हो, तो 1/3 भाग लेते हैं किसमें, अपरिपक्व गन्ना से, अपरिपक्व गन्ना से लेते हैं। और ये गन्ना कितना पुराना होना चाहिए, लगभग 10 से 12 मंथ ओल्ड क्रॉप, 10 से 12 मंथ जो है पुरानी क्रॉप से ये लेना चाहिए। 10 से 12 महीने पुरानी क्रॉप हो गई, उसका 1/3 पार्ट हम ले लेते हैं इमेच्योर भाग, ऊपर वाला भाग इमेच्योर ही होता है, यहाँ रहता है जूस तो नीचे, इमेच्योर भाग रहता है ये, इमेच्योर पार्ट से हम ले लेते हैं केन से, 1/3 पोर्शन उसका ले लेते हैं, और 10 से 12 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है इमेच्योर पोर्शन जो होता है 1/3, इसमें ग्लूकोज अच्छा खासा होता है, क्या होता है, ग्लूकोज अच्छा खासा होता है, और ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। ठीक है, गुड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है, अच्छा होता है ग्लूकोज होने की वजह से। ठीक, नीचे तो सुक्रोज है ना, शक्कर बन गई नीचे, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है इमेच्योर है, इमेच्योर जो शुगर होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसलिए हम यहीं से चेक करते हैं ना, जब मेच्योरिटी चेक करते हैं, तो जो ब्रिक्स रेटिंग चेक करते हैं, फेलिंग टेस्ट करते हैं, बजा के देखते हैं मेटालिक साउंड, वो भी बताऊंगा अभी, तो 1/3 पोर्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा अच्छी खासी होती है और ग्लूकोज की वजह से जर्मिनेशन अच्छा होता है, इसलिए ये वाला भाग लेते हैं और 10 से 12 महीने पुराना वाला लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सेट्स कितने लेने हैं, अगर मान लो यहाँ पर 3-budded है, 3-bud वाला है, ठीक है, 3 आँख वाला है, ठीक है, 3 आँख वाला है, तो कितना लेना है, लगभग 35,000 से 40,000 सेट्स आपको यूज़ करने हैं, या फिर मैं बोल दूँ 75 से 80 क्विंटल सेट्स पर हेक्टेयर। ठीक, और अगर मान लो 2 बड़ वाला है, 2 बड़ेट मतलब 2 आँख वाला है, तो आपको कितना, लगभग 80,000 से 1,00,000 यूज़ करना पड़ेगा, 1,00,000 सेट्स आपको यूज़ करना है। और अगर मान लो सिंगल बड़ेट है, एक ही आँख वाला है, ठीक, तो फिर क्या करेंगे, 1,20,000 सेट्स पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे। ठीक, इन बर्ड्स को ट्रीटेड कैसे करेंगे, ट्रीटेड कैसे करेंगे, तो 0.5% एगालाल या एरेटान से, इसे करेंगे एगालाल या एरेटान, हालांकि ये दोनों बैन हो गए हैं, लेकिन बुक्स में यही लिखा हुआ है, ये दोनों बैन हो चुके हैं, एगालाल एरेटान, 0.5% इससे इसको ट्रीट करते हैं। क्लियर है, अब मैं यहाँ पे ये सीड वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, स्पेसिंग भी देख लो ना, स्पेसिंग क्या रखेंगे, चलो स्पेसिंग इधर बताता हूँ, इसमें क्या चीज़ मैं बताने वाला था यहाँ पर, 1/3 पोर्शन, हाँ वो देखते हैं, हाँ आगे स्पेसिंग देख लो पहले, स्पेसिंग, फसल अंतरण, फसल अंतरण देख लो क्या है। ठीक है, स्पेसिंग कितनी रखोगे, फसल अंतरण की जब मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो होता है एक साली गन्ना होता है, ठीक, और अधसाली गन्ना होता है, ठीक है, और क्या होता है, अधसाली गन्ना होता है, ठीक, एक साली और अधसाली, चलो एक साली और अधसाली गन्ना होता है, एक साली जो होता है ये जनरली नॉर्थ इंडिया में होता है, याद रखना, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में एक अधसाली होता है, एक साली, ये जो है इसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, पहले तो इसमें यह समझ लो, ये एक साली जो गन्ना है 10 से 12 मंथ में क्या होता है, हार्वेस्ट हो जाता है, इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है इसका, मतलब कटाई समय जो होता है इसका क्या होता है, 10 से 12 महीने कटाई समय, क्योंकि ये एक साली है, ठीक, और इसमें जो स्पेसिंग होती है वो रखती है 60 से 90 सेंटीमीटर। ये जो होता है ये साउथ इंडिया
और सेंट्रल इंडिया में होता है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत और मध्य भारत में होता है। हिंदी में लिख लेना, दक्षिण भारत और मध्य भारत। ये जो है 18 मंथ में इसका क्या होता है, हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग कटाई समय क्या होता है 18 महीने का, और इसमें स्पेसिंग रखते हैं 120 सेंटीमीटर के आसपास। क्लियर है, ये अच्छे से आप कर लेना। 75 से 90 भी मिल जाएगी कहीं कहीं आपको, ठीक है, 75 से 90 भी देखने को मिल जाएगी। टाइम ऑफ प्लांटिंग की बात यही मैं कर देता हूँ। टाइम ऑफ प्लांटिंग ये एक साल ही है ना, इसमें दो चीज़ें मिलेगी आपको, एक मिलेगा 8 मंथ प्लांटिंग, ठीक है, इसमें 8 मंथ प्लांटिंग होती है और स्प्रिंग प्लांटिंग होती है। स्प्रिंग प्लांटिंग हिंदी में भी यही लिख लेना, 8 मंथ और स्प्रिंग, ठीक है, यही मिलेगा वहाँ पर भी। 8 मंथ प्लांटिंग जो होती है बच्चा लोग, ये होती है अक्टूबर में, और स्प्रिंग प्लांटिंग करते हैं फरवरी में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में होता है ये। और अर्धसाली की जो प्लांटिंग होती है बच्चा, ये होती है जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में इसकी अर्धसाली की प्लांटिंग होती है, ठीक। अब टाइम ऑफ प्लांटिंग की तो बात हो गई, टाइम ऑफ प्लांटिंग की बात हमने यहाँ पर कर ली। अब इसमें और क्या चीज़ है, टाइम ऑफ प्लांटिंग हमने देखा, टाइम ऑफ प्लांटिंग के बाद मेथड ऑफ प्लांटिंग देख लो, क्या मेथड में प्लांटिंग मेथड यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ प्लांटिंग, ठीक है, जो प्लांटिंग करेंगे, जो बुआई करेंगे, उसकी विधि क्या है। तो यहाँ पर एक फ्लैट मेथड यूज़ करते हैं, फ्लैट मेथड, समतल विधि, समतल विधि यूज़ करते हैं। समतल विधि जनरली ये नॉर्थ इंडिया में यूज़ होती है, याद रखना, किसमें, उत्तर भारत में। यहाँ पर क्या करते हैं, जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कम रखी जाती है, कितनी, 8 से 10 सेंटीमीटर मात्र गहराई इसमें रखी जाती है, ठीक है। और स्पेसिंग वही 60 से 90 सेंटीमीटर या फिर 75 से 90 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें एक होती है इसमें फरो मेथड, फरो मेथड, इसको धोरा मेथड भी बोलते हैं, धोरा विधि, धोरा विधि बोलते हैं हिंदी में। ये जो है मोस्ट सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल मेथड है, ठीक है, अधिक उपयुक्त मेथड है, अधिक उपयुक्त मेथड है। इसमें जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी रखते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया, यहाँ पर जो डेप्थ रखते हैं, जो गहराई रखी जाती है, वो रखी जाती है 20 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, ये याद रखना इसमें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गन्ने में इसी का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फिर आता है ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड मतलब वही गड्ढा विधि, ठीक है, इसको जावा मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जावा मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो डेप्थ जो रखी जाती है, डेप्थ जो रखी जाती है, वो रखी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर गड्ढा खोदते हैं, और स्पेसिंग जो इसमें रखी जाती है वो 75 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये ज़मीन है, इसमें ये गड्ढा खोदा, यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ, ठीक है, इस तरीके से गड्ढे खोदकर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हिली एरिया है, ठीक है, ये मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, हिली एरिया में, हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में इसका यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, दिक्कत होती है लोजिंग की, लोजिंग की, गिरने की समस्याएं रहती है, तो गिरने से बचाने के लिए इसको ट्रेंच मेथड में लगाते हैं, ताकि ये लोजिंग ना हो, हवा अगर तेज़ आ रही है तो गिरे नहीं, इस वजह से ट्रेंच मेथड यहाँ पर यूज़ की जाती है। क्लियर है, ये मेथड ऑफ प्लांटिंग हमारा हो गया। मैन्यूअर फर्टिलाइज़र की बात करें, इसमें फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ, उर्वरक की, उर्वरक की बात करूँ, तो यहाँ पर एन पी और के, यहाँ पर लगभग 150, 80 और 60 एन पी के का यूज़ किया जाता है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई फीडर क्रॉप है, हाई फीडर क्रॉप मतलब अत्यधिक न्यूट्रेंट लेने वाली फसल, अत्यधिक न्यूट्रेंट लेने वाली फसल तो है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने नाइट्रोजन राइपनिंग के टाइम पर, ठीक है, राइपनिंग टाइम पर क्या दे दिया, अधिक, ठीक है, मोर नाइट्रोजन, कब, राइपनिंग टाइम, अगर राइपनिंग के टाइम पर आपने अधिक नाइट्रोजन दे दिया तो वही कहानी हो जाएगी, क्या, कि जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, ठीक है। तो राइपनिंग टाइम पे आपको नाइट्रोजन कम देना है, ठीक है, याद रखना।
जो राइपनिंग टाइम है, पकने समय, पकते समय जो नाइट्रोजन है वो क्या देना है, कम देना है, नहीं तो क्या होगा, सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एजोटोबैक्टर यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ होता है, एजोटोबैक्टर यहाँ पर यूज़ होता है, और ये आपको सोयल साइंस के अंदर में भी पढ़ाऊंगा, जब बायो फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी आएगा कि किस फसल में कौन सा जो है बायो फर्टिलाइजर यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें यहाँ पर, मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो आगे कहीं ना कहीं आने वाली है, ठीक है, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर इसमें कौन सा यूज़ होता है, एजोटोबैक्टर, मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ कौन सा यूज़ होता है, एजोटोबैक्टर यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। फ्री लिविंग जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसके अंदर, जब बायो फर्टिलाइजर मैं पढ़ाऊंगा आपको सोयल साइंस में, तो वहाँ पर फिर से ये चीज़ें आने वाली है, क्लियर है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हमें देखनी है, इसमें क्या प्रैक्टिस क्या करते हैं, प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ, इरिगेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो इरिगेशन कितना यहाँ पर लगेगा, इरिगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है, सिंचाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टेज की बात करूँ, तो सबसे पहले जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पे आपको लगेगा, अंकुरण के समय, पहली अंकुरण के समय, और ये कब आता है अंकुरण का समय, लगभग 60 डे आफ्टर सोइंग, 60 दिन पर आता है। फिर फॉर्मेटिव आता है, फॉर्मेटिव स्टेज मतलब निर्माण, निर्माण अवस्था, ये आती है 60 से 130 दिन में, डे आफ्टर सोइंग, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, क्या बोलेंगे, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था इसी को बोला जाता है, फॉर्मेटिव स्टेज को। यहाँ पर आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, ठीक। इसके बाद जो स्टेज आती है वो ग्रांड ग्रोथ, ठीक, संपूर्ण वृद्धि आप बोल सकते हो, संपूर्ण वृद्धि, ये आती है 130 से 250 डे आफ्टर सोइंग, और फिर आ जाती है मैच्योरिटी, परिपक्वता, ये आती है 250 से 365 दिन में, ठीक है, पूरा एक साल लग जाता है इसको पकने में। तो इरिगेशन हो गया, यहाँ पे मैं बता दूँ वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग कितनी है इसकी, जल मांग जो है बच्चा इसकी है 1500 से 2500 एमएम मिलीमीटर इसकी जल मांग है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिसेस मैंने सारी पढ़ा दी, हालांकि आपको प्रैक्टिसेस हम क्या करते हैं, इसमें क्रियाएं क्या क्या करते हैं, तो ये सारी बता चुका हूँ। इसमें अब और बता सकता हूँ आपको, ब्लाइंड होइंग, ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई मैं यहाँ पर बता देता हूँ, शायद अगर ये वहाँ नहीं बताई है मैंने कहाँ पर, जहाँ मैंने टर्म रिलेटेड टू क्रॉप पढ़ाए थे। तो अंधी गुड़ाई में क्या होता है, आफ्टर सोइंग, आफ्टर सोइंग और बिफोर इमरजेंस, आफ्टर सोइंग और बिफोर इमरजेंस मतलब बुआई के बाद, बुआई के बाद और अंकुरण के पहले, अंकुरण के पहले की जाती है अंधी गुड़ाई, कब की जाती है, बुआई के पहले और अंकुरण के बाद। क्यों करते हैं अंधी गुड़ाई, मैंने, हाँ चाहिए मैं बता चुका हूँ वैसे तो, अंधी गुड़ाई आपको प्लांट वही या अर्थिंग बताया था वहाँ पे, यहाँ पे अंधी गुड़ाई जो वीड वगैरह जो है, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह है, ये यहाँ पर कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर सोइंग कर दी है ना, इसकी बुआई कर दी और इमरजेंस नहीं है, अंकुरण नहीं आया, तो उसमें क्या करोगे, आप अंधी गुड़ाई कर दोगे। अंधी गुड़ाई का मतलब यही है कि अभी इमरजेंस जो है गन्ना हमारा बाहर नहीं आया, वो अंदर ही है, और आपने क्या किया, वहाँ पर गुड़ाई की ताकि जो वीड वगैरह है उसको आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। कब करते हैं, तो याद रखना 1 से 2 वीक आफ्टर सोइंग, ऐसा बोल सकते हैं, सोइंग के 1 से 2 सप्ताह बाद करते हैं, 1 से 2 सप्ताह बाद अंधी गुड़ाई कब करते हैं, तो सोइंग के 1 से 2 सप्ताह बाद, मतलब इमरजेंस के पहले, जब वो गन्ना बाहर ना आए उसके पहले ही कर दो अंधी गुड़ाई, मतलब जो वीड वगैरह है वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उनका कंट्रोल आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब मैच्योरिटी को कैसे पता करेंगे, क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी इंडाइसेस, मैच्योरिटी इंडाइसेस। अब जो परिपक्वता है का मापन कैसे करेंगे, परिपक्वता का मापन की पहली विधि है ब्रिक्स, क्या बोलेंगे, ब्रिक्स मेथड और ब्रिक्स रेशियो, ठीक है, ब्रिक्स मेथड या ब्रिक्स रेशियो। ब्रिक्स मेथड में क्या करते हैं,
जो मिडिल पोर्शन होता है केन का, मिडिल पोर्शन ऑफ स्टॉक, जो डंठल है, डंठल के मिडिल पोर्शन से, ऐसा बोल सकते हैं डंठल के मध्य भाग से लेते हैं, क्या चेक करते हैं और देखते हैं 17 से, अगर 16 से 18% उसका टोटल सोल्यूबल सॉल्यूड आ रहा है, TSS 17 से 18% आ रहा है, मतलब वो परिपक्व है। ठीक है, कहाँ से लेते हैं, बीच में से लेते हैं, और लेने के लिए किससे चेक करते हैं ये, TSS रिफ्रैक्टोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से चेक करते हैं, याद रखना ये इंस्ट्रूमेंट है TSS चेक करने का, रिफ्रैक्टोमीटर जो भी हो देख लेना हिंदी इंग्लिश इसकी, रिफ्रैक्टोमीटर से चेक करते हैं। दूसरा है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट मतलब फेलिंग जांच। फेलिंग जांच में क्या करते हैं कि जो जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसमें चेक करते हैं कि जो जूस है उसमें 0.5% से कम क्या होना चाहिए ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो 0.5% से कम होना चाहिए, मतलब वो पक गया है। दूसरी क्या है, मेटालिक साउंड, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत विधि है, अगर आप उसको बजा के देख रहे हो बीच में से अगर मेटालिक साउंड आ रहा है तो वो क्या है, पक गया है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। अब बाय प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या है इसके, बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका बगासेस, मोलेसेस और प्रेसमड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, बगासेस को भूसा बोलते हैं, ठीक है, मोलेसेस है, प्रेसमड है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूल में, कहाँ फ्यूल में मतलब ईंधन में, और पेपर मेकिंग मतलब कागज़ बनाने में। ठीक है, कागज़ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोलेसेस का यूज़ करता है एल्कोहल में, एल्कोहल और रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सोइल मतलब जो अल्कलाइन सोइल है, अल्कलाइन सोइल के सुधार में अल्कलाइन मृदा के सुधार में आप इसका यूज कर सकते हैं। मोलेसेस का यूज करते हैं रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल है उसके सुधार में इसका यूज किया जाता है प्रेसमड का। क्लियर है, ब्राजील में सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है, करेंसी एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ब्राजील में, और इसको जो है पेट्रोल के अंदर 80% जो है पेट्रोल प्लस 20% एल्कोहल, कौन सा, गन्ने वाला इस्तेमाल किया जाता है, गैसोहल। ठीक है, गैसोहल के रूप में 80% जो है पेट्रोल, 20% जो है एल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब बचा क्या है आपका, कंपोजिशन ऑफ सुगर केन। ठीक है, सुगर केन का संघटक बात करें, ठीक है, क्या है संघटन की बात करें तो क्या होता है इसमें, वाटर की बात करें, जल कितना पाया जाता है, जल इसमें लगभग 77 से 78% वाटर। ठीक, अब सुक्रोज कितना पाया जाता है, सुक्रोज इसमें आप देखोगे, सुक्रोज जो लगभग आपको मिलेगा इसमें 8 से 21% तक। शुगर रिकवरी इसमें होगी 8 से 10%, और जूस आपको मिलेगा स्टॉक से जो जूस मिलेगा वो लगभग 66%। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिल जाता है, मैं बता देता हूँ, शुगर बीट है उसमें शुगर रिकवरी कितनी है, शुगर रिकवरी तो उसमें 10 से 12% होती है, याद रख लेना, शुगर बीट में शुगर रिकवरी जो है 10 से 12% के आसपास होती है। ठीक है, ये तो हो गया अपना सारा। एक यहाँ पर पार्ट आता है, वो है रटूनिंग, ये आप सब जानते हो रटूनिंग का मतलब क्या होता है, रटूनिंग का मतलब होता है बच्चा लोग कि शुगर केन की क्रॉप आपने ली, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांटिंग क्रॉप
यूज़ स्टेबल हो, यूज़ मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लांटिंग क्रॉप थी उसको हमने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद जो स्टेबल रह गए, ठीक है, जो स्टेबल रह गए तो उनकी बर्थ से एक नई क्रॉप तैयार हो जाती है, ऐसा समझ लो सीधे सीधे, है ना। सारा लिखा हुआ तो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, तो यही है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, मेन क्रॉप हार्वेस्टिंग की बात, जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप हार्वेस्ट की, मेन क्रॉप की क्या किया आपने, हार्वेस्टिंग, मेन क्रॉप की आपने कर ली हार्वेस्टिंग। अब मेन क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद क्या बचा वहाँ पर, स्टेबल, स्टेबल बचा मतलब अवशेष बचे, ठीक है, अवशेष बचे, डंठल बचे। इन स्टेबल, इन स्टेबल से क्या होगा, न्यू क्रॉप, न्यू क्रॉप क्या होगी, ग्रो करेगी, न्यू क्रॉप क्या होगी, ग्रो होगी। तो इसी न्यू क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, रटून क्रॉप या रटूनिंग बोल देते हैं, इसको बोलते हैं रटूनिंग। और रटूनिंग जो है केवल ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार ली जाती है, एक ही बार ली जाती है। और इसमें हमें कम से कम 20% नाइट्रोजन जो है एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 20% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो रटून क्रॉप क्या हो गया, जो मेन क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसके जो अवशेष बचे हैं उनमें क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। अगर बर्ड्स है तो वहाँ से एक नई क्रॉप ग्रो कर जाएगी, उसी को हम रटूनिंग बोल देते हैं। और एक बार ही लेना चाहिए, एक बार लेना ज़्यादा अच्छा होता है, और उसमें हमें कम से कम 20% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ेगी, ठीक है। तो ये सुगरकेन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ इंसेक्ट पेस्ट देख लीजिए, डिजीज देख लो पहले, ठीक है, रोग देख लो, इससे डिजीज, इंसेक्ट डिजीज से क्वेश्चन आता है, पर हालांकि अपन पैथोजन में, पैथोलॉजी में और एंटोमोलॉजी में देखेंगे। इसमें आता है आपका रेड रॉट, ठीक है, लाल सड़न, लाल सड़न, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम, क्या बोलते हैं इसको, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम, जो भी है स्पेलिंग देखा ना, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम इसका नाम है, ठीक है। रेड रॉट आता है इसके अंदर, और क्या है डिजीज में आप आ जाएगा इसमें, रटून स्टैंडिंग डिजीज, RSD, रटून स्टैंडिंग डिजीज। रटून स्टैंडिंग डिजीज जो है वो किससे होती है, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स जाइली, ठीक है, क्लेवी वेक्टर जाइली या क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स जाइली, देख लेना नाम इसका, नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, हालांकि इसको अलग से करवाऊंगा मैं। फिर आता है आपका ग्रासी सूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है आरियो में, ग्रासी सूट, ये किसमें, फाइटोप्लाज्मा की तरफ से, फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन गलत था, इसी वजह से बच्चे फंसे भी थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, रेड रॉट, रटून स्टैंडिंग डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज, बस इनको याद रखना, और बाकी हम इसको पैथोलॉजी में अलग से पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। इंसेक्ट की बात करें तो, इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंसेक्ट में स्टेम बोरर, शुगर केन स्टेम बोरर की बात करते हैं, शुगर केन स्टेम बोरर मतलब तना छेदक जो है ये क्या आ जाएगा, चिलो इन फस कैटेलस, चिलो इन फस कैटेलस, ठीक है, नाम अजीबो गरीब है, जो भी स्पेलिंग है देख लेना, ठीक है। टॉप बोरर आता है इसमें, शुगर केन टॉप बोरर, वो होता है टाइपोराइजा निवेला, ठीक है, टाइपोराइजा निवेला। और वाइट फ्लाई भी है इसमें, एल्यूरो बोलस बाराडेंसिस, बाराडेंसिस, एल्यूरो बोलस बोलस, एल्यूरो बोलस बाराडेंसिस, ठीक है। पायरिला है तो आ जाएगा पायरिला परपुसिल्ला, ठीक है, पारिला परपुसिल्ला। और भी एक गुरदासपुर बैठक है ना, एगोटिना एगिकोना स्टेनिला, एगिकोना स्टेनिला जो है गुरदासपुर बैठक। तो ये इंसेक्ट पेस्ट भी है, बाकी इंसेक्ट पेस्ट जो है हम इंटोमोलॉजी में, और जो डिजीज़ है वो पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, चार्ट के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी आप याद कर सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको ईजी रहे याद करने में इनके नाम, ठीक है। तो नोट्स में मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा सुगरकेन भी कंप्लीट होता है, और ऑलमोस्ट हमारा क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास शायद एक क्लास और इसकी छोटी सी होगी, जिसमें हम फोटोक्रॉप बरसीम है, लुसर्न है, ओट है, या
जो ग्वार है उसको डिस्कस करेंगे, छोटा सा पार्ट होगा वो 15-20 मिनट का। तो हमारा क्रॉप यहाँ पर खत्म हो रहा है और अब हम इरिगेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।